हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मेरे सब अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग के सामने लेके आई हूँ मूली का टेस्टी चटनी कैसे बनाते हैं, छोटा सा रेसिपी है। वीडियो के आप लोग एंड तक बने रहना और अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए मूली का टुकड़ा टुकड़ा करके इस तरीके से रखना है और मैंने सारे छिलके एक साइड में कर दिए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है आप लोग ऐड भी कर सकते हो। और यहाँ पे है फ्रेश धनिया, धनिया का भी डंडी मैंने फेंक के सिर्फ पत्ता पत्ता यहाँ पे ली हूँ। और यहाँ पे है हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, और यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी मैं स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे इस तरीके से अच्छा से इसको पहले पीस लेना है और धनिया पत्ता को भी यहाँ पे रख के, और याद रखना है गाइस ये ज़्यादा बारीक ना हो जाए। और यहाँ पे एक एक मूली का टुकड़ा रख के अच्छा तरीके से मूली का टुकड़ा को भी यहाँ पे पीस लेना है। ज़्यादा अगर बारीक होगा तो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हल्का इसको मोटा ही रहने के लिए देना है। और इस टाइप में अच्छी तरीके से सारे मूली पीस लेना है। तो फाइनली मेरा हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ एक कटोरे में इसको अच्छी तरीके से निकाल लूँगी और देख सकते हो गाइस फाइनली। अब इसके ऊपर एक फ्रेश प्याज काट के रखना है और एक चम्मच यहाँ पे सरसों का ऑयल भी ऐड कर देना है। और गाइस अभी ये रेडी हो गया खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी होता है गाइस, एक बार ज़रूर ट्राई कर लेना और अच्छे लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक कर देना। बाय बाय।